Assalamualaikum students. Pakistan appears a lecture series. Today we are going to discuss about Pakistan's role in multilateral regional organizations. Different multilateral regional organizations में उनमें पाकिस्तान का as an individual क्या role है, पाकिस्तान के इन organizations को join करने का मकसद क्या था, इसके पीछे उसको benefits क्या हासिल हुए इससे, तो इनको हम discuss करेंगे. पाकिस्तान जो जिन organization का member है, सबसे पहले discussing about Shanghai Cooperation Organization, SCO. SCO एक regional international organization है. इसका जो मकसद था, ये बनाई गई थी, तो इसका जो main motive था वो यही था कि जो region है उसमें economically या politically जो या different जो security cooperation है इसके member states के दरमियान उसे enhance किया जाए, और इनके जो स्टेट्स इसे ज्वाइन कर रही है वो आपस में एक दूसरे के साथ उनके इकोनॉमिक मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, और सबसे बढ़कर जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें. ठीक है, 9 मेंबर्स हैं इसके इनिशियली, तो इसमें 6 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. लेकिन 2017 में जो है इंडिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान ने भी 2017 में ही ज्वाइन किया, और ईरान रिसेंटली 2021 में इसका मेंबर बन गया. ठीक है जी, अब रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मेंबरशिप इन द एसयू एनहांसेस इट्स रोल इन रीजनल सिक्योरिटी. जो मेन मकसद था पाकिस्तान का और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी वो हासिल, पाकिस्तान की भी इन चीजों में काफी इन्हेंसमेंट हुई बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इन सब के साथ पाकिस्तान ने की जो है वो ये तमाम एज इसका रोल जो है वो काफी ज्यादा एनहेंस हुआ, पर्टिकुलरली चाइना और रशिया के साथ. इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की अगर बात करें, द एसयू प्रोवाइड्स पाकिस्तान विद एवेन्यूज फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद सेंट्रल एशिया एंड द वाइडर रीजन, फोस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है इसके जो है वो प्रोजेक्ट्स में चाइना के साथ और रशिया के साथ जो है इसको काफी ज्यादा सेंट्रल एशिया में अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हुई. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपके पास, हमारे पास जो बीआरआई था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो प्रोजेक्ट है. इसके अलावा जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है, इन चीजों में मीन इस तरह के जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हुआ पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ, इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ, इसके मेंबर कंट्रीज के साथ इंक्रीज हुई, और इकोनॉमिकली और ट्रेड में भी इन तमाम चीजों पाकिस्तान को काफी ज्यादा से एससीओ का मेंबर होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसको हम इन शॉर्ट टर्म्स कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अब सार्क जो है वो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो मेन एम है वो सिमिलर एज एससीओ, इकोनॉमिकली प्रमोट करना कंट्रीज को, उनका सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन. अब इसके मेंबर स्टेट्स के दरमियान साउथ एशिया में, ठीक है जी, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज है और ऑलमोस्ट 8 मेंबर्स हैं सार्क के. ठीक है जी, इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. ठीक है जी, ये 8 मेंबर्स हैं सार्क के. रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सार्क तो ऑफन कॉन्स्ट्रेंड बाय इंडिया पाकिस्तान टेंशन रिमेन्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल डायलॉग. इंडिया और पाकिस्तान दोनों सार्क के मेंबर थे और इनके दरमियान टेंशन भी रहती है, लेकिन इस टेंशन के बावजूद भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, रीजनल डायलॉग को प्रमोट करने में काफी हद तक जो है मददगार साबित होता है. चैलेंजेस इन सार्क की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक्टिव पार्टिसिपेशन इज हैम्पर्ड बाय इंडियाज डोमिनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटिंग सार्क पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन. अब चैलेंज जो सार्क में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा है वो ये है कि इंडिया भी इसका मेंबर है, सॉरी इंडिया का जो मतलब इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है इसमें वो उसमें उसकी डोमिनेंस है. ठीक है जी, बाकी कंट्रीज का बहुत अच्छे रिलेशन है, इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है, इंडिया की इसमें डोमिनेंस है, लेकिन जो सार्क में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है लेकिन इंडिया की जो डोमिनेंस है वो इसको बहुत ज्यादा हैम्पर कर देती है, उसको दबा देती है, और जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रेजोल्यूशन के और रीजनल इंटीग्रेशन वगैरह जो खत्ते में इन दोनों के आपस में मसाइल हैं, दोनों ममालिक के या उनके जो आपस में तनाजात हैं वो उनकी रेजोल्यूशन में कुछ ज्यादा साफ जो है वो हेल्पफुल साबित नहीं हो पा रहा है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ का जो मेन मोटिव रहा, जिस मकसद के लिए बनाई गई, इसका भी एज ए प्रीवियस एससीओ सार्क जिस तरीके से इनके जो मेन थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इसी मकसद के लिए गई है कि रीजन के अंदर जो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या उनकी ट्रेड के लिए, इन तमाम चीजों के लिए
सिक्योरिटी इश्यूज के लिए आपस में कंट्रीज का जो कॉपरेशन होगा तो ये मैटर जो है वो इजीली रिजॉल्व हो सकेंगे। तो इनके मेन मकासद जो है इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के वो यही थे। अब इसी जो है ये इसके मेंबर स्टेट मोस्टली जो है वो यूरेशियन रीजन के हैं। यूरेशियन रीजन मीन्स कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है और इसके साथ साथ जो एशियन कंट्रीज है वो भी इसमें काफी ज्यादा शामिल, मतलब यूरोपियन और एशियन दोनों रीजन के इसमें कंट्री शामिल हैं जो कि बाउंड हो रहे हैं आर्कटिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है जी। तो ये तमाम रीजन के साथ, यानी कि ये तमाम रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं वो कंट्रीज, इन तमाम रीजन के जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर ये ईसीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रही है, ठीक है। अब इसमें भी तकरीबन 10 मेंबर्स हैं ईसीओ इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें अफगानिस्तान है, आजरबैजान है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा टर्की इसमें शामिल है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो ये तमाम जो यूरेशियन रीजन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब सेंट्रल और साउथ एशिया लिंकेज की अगर बात करें, पाकिस्तान प्लेज लीडिंग रोल इन ईसीओ प्रमोटिंग रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसमें आपस में लिंक हो रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, तो इसमें पाकिस्तान जो है वो एक मेन रोल प्ले कर रहा है, प्लेज अ लीडिंग रोल इन ईसीओ। किस तरह से एक रीजनल ट्रेड के लिए प्रमोट कर रहा है कि पाकिस्तान के पास जो है वो ओशन जो है, अरे ये एक पूरा ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी जो है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के साथ बहुत बेहतरीन है। फोकस ऑन ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ईसीओ प्रोजेक्ट्स इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी इनिशिएटिव पावर्टी फॉर पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एफर्ट्स। अब इसके जो मेन प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड ही उसमें क्या क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है और ट्रेड रूट्स वगैरह हमारे हैं, जो मुख्तलिफ इसमें फ्री ट्रेड एरिया हो गया, रेलवे नेटवर्क है, हाईवे नेटवर्क है, एनर्जी नेटवर्क, कल्चरल इंस्टीट्यूट वगैरह, तो ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। और इसमें जो मेन फोकस है वो सारा का सारा ट्रेड रूट्स के ऊपर है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल एनालिसिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की रीजनल एनालिसिस किस तरीके से चेंज हो रही है और स्ट्रेटेजिक मसलियत को देखते हुए, कुछ स्ट्रेटेजीज को देखते हुए पार्टनरशिप किस तरीके से बना रहा है। फर्स्ट, चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस, चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस की सबसे बड़ी एग्जांपल सीपैक, बीआरआई। इकोनॉमिक एंड डिफेंस कॉपरेशन है सबसे पहले, चाइना रिमेंस पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमेशा से काफी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एड, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू सीपैक। और अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो सीपैक के ऊपर कर रहा है चाइना, वो इनके आपस में कॉपरेशन की को जो है वो एक काफी आगे की तरफ लेकर जा रहा है। काउंटर बैलेंसिंग इंडिया, चाइना पाकिस्तान एक्सेस सर्व एज ए काउंटर बैलेंस टू इंडिया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, पर्टिकुलरली थ्रू डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। अब चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये एक्सेस क्या कर रहा है कि काउंटर बैलेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन द रीजन। अगर पाकिस्तान इंडिविजुअली इंडिया के साथ मुकाबले के ऊपर आए अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियोस को बैलेंस करने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल टारगेट होगा। लेकिन चाइना पाकिस्तान अलायंस जो इन दोनों का आपस में अलायंस हो रहा है, ये एक्सिस क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है इंडिया के साथ। और काफी ज्यादा चीजों में या पाकिस्तान का भी एक इन्फ्लुएंस है रीजन के ऊपर, और डिफेंस और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में भी ये पाकिस्तान को ये जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है। टर्की पाकिस्तान रिलेशनशिप की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन किस तरीके से हो रहा है कि टर्की और पाकिस्तान डिफेंस बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज शेयर कर रहे हैं। टर्की इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड काउंटर टेररिज्म, काफी स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के दरमियान डेवलप हो चुका है। रीजनल डिप्लोमेसी की बात करें तो पाकिस्तान एंड टर्की कोलैबोरेट ऑन की रीजनल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर, पैलेस्टाइन एंड अफगान कॉन्फ्लिक्ट। जो रीजनल इश्यूज है, ठीक है, उसमें टर्की पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इन मामलों के ऊपर आवाज उठा रहा है, जिनमें मेजर जो है वो कश्मीर इशू है, पैलेस्टाइन एंड अफगान कॉन्फ्लिक्ट। रशिया पाकिस्तान इमर्जिंग पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो मिलिट्री और एनर्जी कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान ग्रोइंग डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेस। पाकिस्तान का रशिया के साथ कोऑपरेशन है तो एक सुपर पावर के तौर पर रशिया आ रहा है, पाकिस्तान का एक ऑब्वियसली एक ऐसे कंट्री के साथ लिंक होगा तो उसकी एक इंपॉर्टेंस या उसका एक जो सिनेरियो है वो ग्रो करेगा।
उसकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज होगी। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरफ भी काफी इंक्रीज एक राइज पैदा कर रही हैं। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेज हैं उसको भी काफी ज्यादा कम कर रही है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की बात करें, बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान है सेंट्रल एशिया की तरफ, दोनों कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है एससीओ के साथ, साथ के साथ और इसके साथ साथ ईसीओ के साथ, तो ये रिलेशनशिप पाकिस्तान का उसका जो रीजनल अलायंस है, उसकी रीजनल डेवलपमेंट है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, ट्रेडिशनली, रीजनली, इन तमाम चीजों में पाकिस्तान को एक राइज भी प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ जो एक अपलिफ्ट है कंट्री का अपने रीजन के अंदर, इसकी डिफरेंट फैसिलिटीज के अंदर, उसकी एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में और उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी प्रेस्टीज, इन तमाम चीजों में पाकिस्तान को इन अलायंसेस के साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करना पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो रीजन में अकेला नहीं हो रहा, बल्कि इनके साथ कॉपरेशन, उसको बेनिफिट जो है वो प्रोज एंड कॉन्स तो ये हर चीज में होते हैं, लेकिन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा पाकिस्तान को मिल रहा है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान रोल इन द इवॉल्विंग रीजनल अपैरेटस इज शेप्ड बाय इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब इन रीजनल अपैरेटस में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आ रहा है वो क्या है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रही है उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो उसको बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है। एज रीजनल डायनामिक्स कंटिन्यू टू शिफ्ट ड्रिवन बाय इमर्जिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान्स एबिलिटी टू नेविगेट दिस चैलेंजेस एंड कैपिटलाइज ऑन इट्स पोजीशन विल बी क्रिटिकल टू इंश्योरिंग इट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना, क्योंकि इसके साथ कुछ अगर एलियंस भी प्रेजेंट है तो उसके साथ साथ कुछ राइवलरीज भी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि वो इन दूसरे कंट्रीज के साथ अपनी एक स्टेबिलिटी कायम रखे। और बींग अ मेंबर ऑफ दीज कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज नहीं है जैसा पाकिस्तान और इंडिया, इनका आपस में रिलेशनशिप इतना शायद स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन बींग मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी कंट्रीज इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपने आपस में जो अपना स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो कायम रखना है और रीजन वो जो है वो डाउनफॉल से और इन चीजों से बचा के रखना है। तो ये चीज जो है वो पाकिस्तान के लिए इन कॉपरेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और इनके पॉलिसीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंडिविजुअली रिलेशनशिप्स चाइना के साथ, पाकिस्तान चाइना, तुर्की, ईरान, डिफरेंट मुस्लिम वर्ल्ड, साउथ एशियन कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज, रशिया, इन चीजों का आपने स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।